नमस्कार दोस्तों, तो देखिए बात करेंगे इस वीडियो में तीन स्टॉक के बारे में। आज के दिन खबरें आती हुई देखने को मिली है। टाटा स्टील और सेल ने अनाउंस किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे आने वाले 2 से 3 सालों में 3 से 4 हज़ार करोड़ के बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। साथ ही फ्यूचर रिटेल की तरफ से एक बड़ी खबर है जो कि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अमेजोन के खिलाफ एक और नया फ्रेश केस दायर किया है। चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए खबर की बात करें, टाटा स्टील टू इन्वेस्ट ₹3,000 करोड़ इन झारखंड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स टू एक्सपेंड कैपेसिटीज़। तो देखिए आगे देखते हैं, डोमेस्टिक स्टील जाइंट टाटा स्टील ऑन सैटरडे एक्सप्रेस द कमिटमेंट टू इन्वेस्ट ₹3,000 करोड़ इन झारखंड इन नेक्स्ट 3 ईयर्स टू ऑगमेंट कैपेसिटीज़। द कमिटमेंट वॉज मेड एट लंच ऑफ झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 हेयर लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर। तो देखिए ये टाटा स्टील के लिए खबर है जिसका इम्पैक्ट आपको ज़रूर आते हुए देखने को मिलेगा इसमें आने वाले दिनों में। मंडे मार्केट में यहाँ तेज़ी बनने की पूरी संभावना है। चार्ट की एक और हिस्ट्री देख लेते हैं। फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ने करीब फ्लैट सा ही कारोबार किया। 5 दिन में देखेंगे स्टॉक फ्लैट है। 1 महीने में आपको 5.5% की गिरावट दिखेगी, 6 महीने में 90% की तेज़ी, ईयर टू डेट पे 115 और 1 साल की अवधि में देखेंगे तो 234% के दमदार रिटर्न अब तक स्टील सेक्टर ये दे चुका है। साथ ही देखिए मेटल से जुड़ा हुआ जो सेक्टर है उसमें आने वाले समय में थोड़ी बहुत और तेज़ी आपको एक्सपेक्ट हो सकती है। ये देख सकते हैं, सी फ्रेश बाइंग इन मेटल स्टॉक्स पोस्ट जैक्सन होल मीटिंग श्रीकांत चौहान ऑफ कोटक। तो देखिए मार्केट के दिग्गज एनालिस्ट है कोटक सिक्योरिटीज़ के, ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, इनका ये स्टेटमेंट है। तो मेटल सेक्टर जो है लगातार फिर से धीरे धीरे फोकस बनते हुए देखने को मिल रहा है और एक्सपर्ट्स का अनुमान है आने वाले समय में थोड़ी और तेज़ी यहाँ पे अभी भी आनी बाकी है। तो देखिए बात करें अगर टाटा स्टील के मंथली चार्ट की तो लगातार चार्ट पे शानदार एक मंथली चार्ट पे देखेंगे स्टॉक अपने ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज के पास ही पहुंच चुका है और काफ़ी दमदार तेज़ी एक्चुअली स्टॉक ने बढ़ाई है। पिछले साल करीब अप्रैल 2020 में स्टॉक का जो प्राइस था आप देख सकते हैं करीब 250 पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया था कोविड की गिरावट के बाद, और वहाँ से आप देख रहे हैं स्टॉक ने इसी महीने करीब करीब 1500 का हाई लगाया था। वहीं अगर डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पर भी ओवरऑल ट्रेंड आपको पॉजिटिव ही देखने को मिल रहा है, बल्कि ऊपरी स्तर से स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं करेक्शन स्टॉक का जो 1530 से 36 की रेंज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था और वहाँ से आपको लगातार स्टॉक करेक्ट होकर आज की डेट में 1384 रुपये के आसपास CMP फिलहाल देखने को मिल रहा है। देखिए बाइंग के लिए आराम से एक मौका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लगातार स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, मेटल सेक्टर है और एक दमदार इंडिया की टाटा ग्रुप की कंपनी है, आगे भी अच्छा नो डाउट परफॉर्म करेगी। जिस हिसाब से स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़े समय बाद यहाँ पे स्प्लिट या बोनस का अनाउंस कंपनी करे ताकि जो है प्राइस को कंट्रोल में लाया जा सके, प्राइस को डाउन किया जा सके। तो देखिए जैसा कि खबर अभी आपने देखी है टाटा स्टील पर, सिमिलर एक खबर आती हुई देखने को मिल रही है, ये भी स्टील का ही सेक्टर है और काफ़ी अच्छा ऐसा कहते हैं कि सरकार की कंपनी है और काफ़ी अच्छा स्टील सस्ते दामों पर कंपनी उपलब्ध करवाती है। सेल टू इन्वेस्ट ₹4,000 करोड़ इन झारखंड ओवर नेक्स्ट 3 ईयर्स रेजेज गोवा माइंस कैपेसिटी। तो इनकी गोवा में एक माइन है जो ये कैपेसिटी इसकी बढ़ाने के विचार कर रहे हैं। आगे आप देख सकते हैं, स्टेट ओन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑन सैटरडे एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट टू इन्वेस्ट ₹4,000 करोड़ इन नेक्स्ट 3 ईयर्स इन झारखंड टू ऑगमेंट कैपेसिटी ऑफ गोवा माइंस बिसाइड्स इंस्टॉलिंग अ 4 मिलियन टन पैलेट प्लांट। और ये भी वही एक जो सेमिनार का आयोजन किया गया था जो कि झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी इनवाइट की गई थी 2021, उसके तहत जो CM की अध्यक्षता में हुई थी उसी में ये कंपनीज ने अनाउंस किए हैं। तो देखिए हमने खबर देख ली है, इस पे भी जो है इस खबर का भी सेल पे आपको इम्पैक्ट आता हुआ देखने को मिलेगा। फ्राइडे के सेशन में करीब 2.5% की तेज़ी स्टॉक में बनी है और पिछला चार्ट एक बार देख लेते हैं हिस्ट्री किस तरह की है। 5 दिन में 1.5% की गिरावट है, 1 महीने में देखिए ऊपरी स्तरों से काफ़ी स्टॉक करेक्ट हो चुका है करीब 17%, 6 महीनों में फिर भी स्टॉक पर 50% तेज़ी, ELT date पर करीब 58 और 1 साल की अवधि में देखिए सरकारी कंपनी है और करीब करीब 30 से 40 रुपये के आसपास पिछले साल ये ट्रेड होता था और किसी ने सोचा भी नहीं होगा ये स्टॉक जो है 206% के दमदार रिटर्न दे देगा। तो देखिए बात करें अगर सेल स्टॉक के डेली चार्ट की तो मंथली डेली चार्ट पे आप देखेंगे स्टॉक के ने मई के महीने में एक हाई लगाया था जो कि 150 रुपये के आसपास का था। उसके बाद स्टॉक है नीचे आया है, कंसोलिडेट किया है और फिर से ट्राई किया लेकिन 144 रुपये फिर से हर्डल फेस की है। लेकिन अब फिर से ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की खबरें चल रही है और साथ ही ब्रोकरेज हाउसेज ने यहाँ पे 160 से 170 तक के टारगेट इनिशिएट किए हुए हैं। 3 वीक पहले मोतीलाल ओसवाल ने 175 के टारगेट करीब यहाँ इनिशिएट किए थे। तो बाइंग के लिए अच्छा प्राइस ये है, बाय करने का विचार आराम से कर सकते हैं। लॉन्ग होल्ड करेंगे तो अच्छे रिटर्न देगा, लेकिन शॉर्ट टाइम भी करते हैं तब भी ये यहाँ से 10 से 15 रुपए की तेजी उम्मीद है शॉर्ट टर्म में और दिखाएगा।
तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 4 से 5 वीक पहले एक खबर आई थी, लास्ट मंथ आई थिंक एक खबर आई थी कि फ्यूचर रिटेल को सुप्रीम कोर्ट से एक झटका लगा, और फ्यूचर रिटेल के सारे फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिले थे। और इसके अगेंस्ट जो है एक नए सिरे से केस इन्होंने लगाया, फ्यूचर रिटेल मूव्स सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट SC हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन दिस अमाउंट 24,713 करोड़ डील विद रिलायंस। तो रिलायंस के साथ इनकी एक डील होने वाली थी, लेकिन बीच में टांग दे दी अमेजॉन ग्रुप ने, और अमेजॉन ने जो केस किया था वो अमेजॉन के फेवर में गया और फ्यूचर के अगेंस्ट में केस गया था। HC का ऑर्डर था और उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है। तो देखिए, आगे देख सकते हैं आप इन रेगुलेटरी फाइलिंग फ्यूचर रिटेल ने क्या कहा है। फ्यूचर रिटेल ने कहा है, प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज़ फाइल्ड स्पेशल लीव पिटिशन बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगेंस्ट द इम्पर्ज्ड ऑर्डर डेटेड 2nd February 2021 एंड 18th March 2021 पास्ड बाय दिस जज ऑफ दिल्ली कोर्ट। द SLP विल बी लिस्टेड फॉर हियरिंग इन ड्यू कोर्स। तो देखिए, इस डील का इम्पैक्ट भी आपको जो है मंडे की डेट में पूरी संभावना है स्टॉक पे आते हुए देखने को मिलेगा। स्टॉक का चार्ट काफ़ी ख़राब है, आपको फ्राइडे के सेशन में जो है फ्लैट कारोबार देखने को मिला, 5 दिन में भी फ्लैट कारोबार है, लेकिन 1 महीने में ऊपरी स्तर से 25% स्टॉक टूटा है, 6 महीने में 34%, ELT 42 और 1 साल की अवधि में देखेंगे पूरा वेल्थ डिस्ट्रॉय किया है। करीब 72% का अमाउंट जो है फिनिश ये स्टॉक अब तक कर चुका है अगर किसी ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया था। तो देखिए, इससे ज़्यादा कुछ बात इस स्टॉक का करेंगे नहीं, खबर मैंने आपको दिखा दी है, बाकी इन्वेस्ट की राय यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टॉक्स जो है मझधार में लटके हुए होते हैं वहाँ पर कोई भी खबर अच्छी आएगी तो वो भागेंगे, बुरी खबर आएगी तो गिरेंगे। ऐसे स्टॉक में मेरे ख्याल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपकी मेहनत की कमाई है, अच्छे स्टॉक में लगाइए, इस तरह के ये सट्टे वाले स्टॉक्स में लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए, बात करिए इस वीडियो में 3 स्टॉक्स के बारे में हमने जहाँ पर कुछ खबरें थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।